नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कई लोगों ने वैसे भी पूछ रहे थे कि नूलावस्था में कुछ चेंज करवाना है, क्या ये हो सकता है। इसी को लेकर के आज का मेरा एक वीडियो है कि नूलावस्था में चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो कैसे करवा सकते हैं और क्या चेंज करवा सकते हैं हम यदि जरूरत पड़े तो नूलावस्था में। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट से अपनी राय दीजिए, आपके कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो नूलावस्था में क्या हम चेंज करवा सकते हैं, जो पेपर मिलता है क्या हम उसमें कुछ चेंज करवा सकते हैं, करवा सकते हैं तो क्या करवा सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस रहेगा चेंज करवाने का। तो सबसे मोटा मोटा है जो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या नहीं करवा सकते। आप नूलावस्था में किसी एक आदमी के नाम से निकली हुई है, आप चाहते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, ये आप नहीं करवा सकते। इस चीज को भूल जाइए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो गलती से हमने किसी और का लगा दिया पेपर, वो पासपोर्ट लगाना ही नहीं था, इसका होना चाहिए था। तो ये चीज पहले होती थी, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ, ये चीजें पहले होती थी, आज से 10-15 साल पहले है कि हम किसी का भी पेपर निकलता, बाद में मालिक जाकर के कह देता कि नहीं ये आदमी नहीं चाहिए मुझे, इसकी जगह ये आदमी चाहिए, तो वो चेंज हो जाता था। अब है, इस चीज को बंद कर दिया गया है, आपका पेपर जिस आदमी के नाम से निकला है वो उसी का रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या चेंज करवा सकते हैं? लीगल, जो सही मायने में जो गलतियां इंसान से हो सकती हैं उनको चेंज करवा सकते हो। सही मायने में गलतियां क्या हो सकती है, जैसे मान लो कि आपका पासपोर्ट की कॉपी है, आपने उसमें नाम है वो टाइप कर रहे हैं और उसमें कहीं एक जो अक्षर है उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, वो आपने गलती से गलत लिख दिया, लेकिन उसके लिए बाकी की डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर है वो आपके सही हैं, पासपोर्ट जारी करने की तारीख सही है, खत्म कब हो रहा है, यानी बाकी की सारी डिटेल सही हैं, कहीं माइनर सी एक मिस्टेक हो गई वो आपको सही करवानी है, तो आप वो भेज सकते हैं प्रफेक्टुरा को कि ये देखिए ये पासपोर्ट की कॉपी है, फॉर्म भरते समय हमसे ये छोटी सी गलती हो गई, इसको आप ठीक कर दीजिए, वो आपको वो गलती सही कर देंगे। सारी डिटेल सही है, पासपोर्ट के नंबर भरने में कोई गलती हो गई वो आप भेज सकते हैं, वो सही हो जाएगी। तो ऐसी चीजें जो ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है कि वो सच में एक गलती हुई है, उसको आप ठीक करवा सकते हैं, यानी माइनर जो भी मिस्टेक है, नाम की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पूरा नाम चेंज करोगे नहीं होगा, छोटी मोटी मिस्टेक है वो सुधार हो सकती है। कोई जो बर्थ प्लेस है उसका नाम लिखने में गलती हो गई आपका, ऐसी चीजें, यानी आप एक छोटा सा अंदाजे ये लगा लिए खुद से, ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसी गलती जो आपको लगे कि सच में ये गलती हुई है वो ठीक हो सकती है। ऐसी चीजें ठीक नहीं हो सकती कि आप ये ले जाकर दो कि नहीं ये हमने गलती से दूसरा पासपोर्ट लगा दिया, इसकी जगह ये लगना चाहिए था, वो कभी चेंज नहीं होगी, वो कोई नहीं करेगा। नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, उसमें माइनर सा मान लो एक अक्षर है वो आगे पीछे हो गया, पासपोर्ट का नंबर है वो G240580 है, उसकी जगह 508 लिखा गया, 240508, तो वो एक आदमी से गलती हो सकती है कि 580 टाइप कर रहा था, 508 टाइप हो गया, हो सकती है ऐसी गलती। नाम है, जैसे प्रमोद नाम है PRAMOD और उसने लिख दिया PARMOD, तो ये माइनर मिस्टेक है जो ऐसा लगता है कि इंसान से ऐसी गलतियां स्वाभाविक है, हो सकती है, वो चीज सही करवा सकते हो। अब सही करवाना कैसे है, उसके लिए आपकी जो मिस्टेक हुई है फॉर्म की में वो आप लिखिए और ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी उसके साथ में लगाइए, उसमें ये चीजें लिखी जाएंगी कि देखिए ये सारी, ये पासपोर्ट है इसकी ये सारी डिटेल्स हैं, फॉर्म भरते समय हमसे ये गलती हो गई, इसको ठीक करके, इसको करेक्शन करके नूलावस्था में, और कृपया हमें सही नूलावस्था भेज दीजिए। ये चीज आप है, पहले है प्रफेक्टुरा में जाकर के करवानी पड़ती थी, आजकल है प्रफेक्टुरा है वो अपॉइंटमेंट यानी पर्सनली फिजिकली नहीं बुलाते हैं, आजकल सारा काम वो पेक से होता है, यानी पेक है वो एक तरह से नया राकोमनदाता हो गया, पहले हम राकोमनदाता लगाते थे, रजिस्टर्ड डाक जो होती है वो लगाते थे, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से भेजते थे, आजकल उसकी जगह पेक हो गई, ये पेक है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से यानी ईमेल हो गई,
ये राकोमनदाता की जगह काम करती है। तो आप पेक से उस प्रफेतुरा की वेबसाइट पर उसका पेक आईडी ले लीजिए, जो स्पोर्टेलो उनी को है उसकी पेक आईडी पर। प्रफेतुरा दो होते हैं, एक प्रफेतुरा जो नॉर्मल काम करता है, दूसरा प्रफेतुरा जो स्पोर्टेलो उनिको का काम करता है, जिसमें ये इमिग्रेशन से संबंधित काम है, ये होते हैं। तो प्रफेतुरा की जो है स्पोर्टेलो उनिको की जो पेक आईडी है उस पर आप ये डिटेल भेजेंगे, उस आईडी से भेजेंगे जिसका नाम है वो पासपोर्ट के फॉर्म, यानी उस नूलावस्था के फॉर्म में है, उस आईडी से आपको ये भेजनी है। या फिर किसी अवोकातो से आप भिजवा सकते हैं, किसी काफ वगैरह से भिजवा सकते हैं, वो अपनी आईडी से भेज सकते हैं। ये चीज उस पर पासपोर्ट है, उसकी स्कैन कॉपी है वो अटैच होगी, फॉर्म है उसमें जो मिस्टेक आपने की है वो अटैच करके और वो आप भेज सकते हैं वहां पर कि कृपया इसको ठीक करके वापस भेज दीजिए। लैंग्वेज जो है ईमेल की वो काफी जेंटल होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप भेजेगी ये आप सही करके भेजिए नूलावस्था, ऐसे में वो अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि सामने जो ऑफिसर बैठा हो उसे बुरा भी लगे कि ये क्या तरीका है हमसे पूछने का। एक जेंटल तरीके से ईमेल लिखी जाए कि फॉर्म भरते समय हमसे ये त्रुटि हो गई, ये गलतियां हो गई, इसको कृपया सही कर करके और हमें सही नूलावस्था भेजने की कृपया करें, ये पासपोर्ट की कॉपी है के साथ में अटैच कर रहे हैं, मालिक की जो आईडी है वो भी उसके साथ में अटैच कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए कि आप ही वो इंसान हो जिसने अप्लाई किया है और आप ही इसको सही करवा के मंगवाना चाह रहे हो। इसके बाद में आपको उसका है वो आपकी जो जिस पेक्स आईडी से भेज रहे हो उसी पर वो नूलावस्था सही करके भेज देंगे आपको। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो सवाल आपके थे नूलावस्था को चेंज करवा सकते या नहीं करवा सकते, कौन सी मिस्टेक है जिस पे उसको सही करवाई जा सकती है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों तक ये खबर पहुंच सके, सही जानकारी सही समय पर सब तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। धन्यवाद।